महाराष्ट्र ज्ञान न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलनकारियों की तरफ से हुआ बहुत बड़ा हंगामा, जिसके बाद कई पुलिस वाले और आंदोलनकारियों के बीच भी कई झड़पें। इसमें कई पुलिस वालों के और कई आंदोलनकारियों के जख्मी होने की है संभावनाएं। इसमें एक आंदोलनकारी की मृत्यु होने की भी बात कही जा रही है। पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के दरमियान आज किसान एकता मोर्चा के तरफ से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की परेड निकालने की कही गई थी बात, जिसको लेकर सरकार और किसान एकता मोर्चा के दरमियान कुछ शर्तों के साथ इस पीरियड को दी गई थी सम्मति। मगर आज इसमें से एक गुट ने अपना रास्ता उस रूट पर न लेते हुए दिल्ली की सीमाओं के अंदर घुसने की कोशिश, जिसके बाद पुलिस के दरमियान हुई कई झड़पें। ये मोर्चा किसान एकता मोर्चा से अलग होकर डायरेक्ट दिल्ली के लाल किले की तरफ बढ़ रहा था, जिसके दरमियान कई हिंसक झड़पें हुई। इसके बाद ये आंदोलनकारी दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर अपना झंडा लहराया लाल किले पर। क्या 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह का असंवैधानिक आंदोलन कर क्या किसान एकता मोर्चा ने अपनी प्रतिमा को मलिन किया है? क्या लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा फहराना ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सही निशानी है? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल की पूरी रिपोर्ट। कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।